बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक इलाइट मोशन एप्लीकेशन। तो इलाइट मोशन एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना, और पहले आपको एक चीज़ करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको एक XML का लिंक मिलेगा, ठीक है। तो इन XML को आपको पहले डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको पास कुछ इस तरीके का एक लिरिक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर फोन पे नहीं आ रहा है तो फोन डाउनलोड कर लेना, फोन का जो नाम है वो है गेम ऑफ स्क्वाड, ठीक है। आपको सॉन्ग ऐड कर लेना है, रॉक क्लिप का भी लिंक मिलेगा, तो रॉक क्लिप से आप ये वाला सॉन्ग ऐड कर लेना। तो ऐड करने के बाद आपको यहाँ से कर लेना है, इसको एक्सपोर्ट होने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेना। तो आपको अभी और एक एप्लीकेशन का जरूरत है, कैपकट एप्लीकेशन, जो एनिमेशन था इमोजी के अंदर, तो हम वही देंगे। तो उससे पहले आपको और एक चीज़ करना है, वो है आपके पास जो VPN है उसको कनेक्ट कर लेना है। अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो आप कैपकट के अंदर काम नहीं कर पाओगे। तो पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखो कनेक्ट हो चुके एप्लीकेशन के अंदर। आपको न्यू प्रोजेक्ट पे को सिलेक्ट कर लेना, और आप वहाँ से जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किए हो तो उस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा ये वाला वीडियो है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। तो अभी देखो ये वाला XML तो मैं दे दिया हूँ, लिरिक्स XML, इसका तो लिंक आपको मिल जाएगा। पहले तो आपको इनको एक्सपोर्ट कर लेना। तो अभी इस जगह से आपको, जिस जगह से लिरिक्स ख़त्म हो रहा है, तो इस जगह से आपको पहले इनको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेते हैं, ताकि साउंड हमारा सही रहे, ठीक है। तो अभी इसको आपको कट लगा देना है जहाँ से ये लिरिक्स ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे कट करने के बाद इन ब्लैक वाला आइकन को हमको कर लेना है डिलीट, और कुछ इमोजी लगाना है। इमोजी के लिए आपको जाना होगा इस वाला एप्लीकेशन, या गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो आप। तो ये एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पे सर्च कर लेना इमोजी, ठीक है। तो बहुत सारे इमोजी आ जाएगा, आप यहाँ से इमोजी को डाउनलोड कर लेना, सेकंड पे क्लिक कर लेना, और यहाँ से आपको फोटोज़ पे चले जाना। तो मेरा ये वाला आ गया, तो इनको खींच के छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो अभी देखो ये आ गया। अभी दूसरा वाला सॉन्ग के बीट मार्क के हिसाब से दे देना, या मेरा जो वीडियो है उसको आपको साइड में लगा लेना है। मैं जहाँ जहाँ से इमोजी लगाया हो आप वहाँ पे इमोजी लगा सकते हो। तो अभी दूसरा लगाना है, दूसरे के लिए फिर आपको प्लस आइकन पे जाना है, फिर आपको दूसरा लगा लेना है। तो दूसरा था ये, तो इसको हम सिलेक्ट करके इस जगह पे लेके आएंगे, और इनको छोटा कर लेना है एकदम, तभी देखने में सही लगेगा। तो ये आ गया, दो लगा लेना है, ठीक है। तो फटाफट इमोजी लगा लेता हूँ, फिर आता हूँ। जैसे मैं इमोजी लगा चुका हूँ सारी, तो अभी आपको यहाँ पे करना है इमोजी पे एनिमेशन देना है। तो इमोजी पे क्लिक कर लेना, फिर आपके एनिमेशन पे चले जाना, फिर यहाँ पे कॉम्बो पे चले जाना। तो यहाँ पे देख लो बहुत सारा एनिमेशन है। तो आप एनिमेशन, तो ये वाला मैंने फर्स्ट जूम वन लगा लिया, तो सेकंड में मैं लगाऊंगा बाउंस वन, ठीक है। तो थर्ड पे मैं लगाऊंगा ये स्वयं। तो ऐसा करके आपको सारे एनिमेशन लगा लेना है, ठीक है। तो एनिमेशन लगाने के बाद आपको यहाँ से कर लेना है इनको एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको 180p यहाँ पे रहेगा, तो आपको राइट साइड पे एक डाउनलोड टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे एक्सपोर्टिंग हो रहा है, ये ऑटोमेटिक एक्सपोर्टिंग हो जाएगा। एक्सपोर्टिंग हो गया, तो अभी हमारा वीडियो सेव हो चुका है गैलरी पे। तो अभी यहाँ पे हमको ग्लोइंग देना है, तो ग्लो देने के लिए आपको जाना है नोट वीडियो एप्लीकेशन। तो ये ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे तो विदाउट वाटर मार्क आएगा। आप जब एक्सपोर्ट करोगे कोई वाटर मार्क नहीं आएगा, तो प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर लेना। तो न्यू पे सिलेक्ट कर लेना, फिर आपको प्लस आइकन पे चले जाना, मीडिया वीडियो, ऐसे उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जो कैपकट से एक्सपोर्ट किया हो। ये देखो ये आ गया। तो फर्स्ट में आपको करना है ग्लो देना है, ठीक है। तो ग्लो, ये ग्लो, तो ग्लो आ गया। ग्लो का कलर चेंज करने के लिए आपको इन पेंसिल वाला आइकन पे चले जाना, और इन कलर वाला सेक्शन पे जाना, और इनको खींच के राइट साइड पे लेके आना, और यहाँ से जो कलर देना चाहिए सकते हो आप। तो अभी ये हो गया। तो अभी इमोजी, तो साउंड कम कर लेते हैं थोड़े से। देखो हमारा इस जगह पे लिरिक्स आके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो इंटेंसिटी है तो इनको आप हमको देना है प्लस आइकन, और थोड़ा सा बाद में आके और एक प्लस आइकन दे देना है, और इनको नीचे की तरफ लेके आना है, देख लो कुछ इस तरीके से, ताकि ज़्यादा ग्लो नहीं लगे इमोजी के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा रख के इनको पूरा इनका साइड में लेके आना है,
राइट, ये हो गया। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा कम कर देते हो तो देखने में और भी ज़्यादा बेहतर लगेगा। यहाँ पे एक प्लस आइकन दे देना और थोड़ा सा बाद में आके और एक प्लस आइकन दे, और इनको थोड़ा सा कम कर लेना। आप देख लेना, आप अपने वीडियो के हिसाब से करना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये आ गया, तो हमारा ग्लोइंग लग चुके हैं। तो अभी इनको हमको करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए होम के साइड में जो ऑप्शन दिखा रहा है तो इन पे कर लेना है क्लिक, फिर हमको ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये टाइमर आ रहा है 21 सेकंड, ये जाके ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट हो जाएगा, गैलरी पे जाके सेव हो जाएगा। ये अभी लैग वगैरह हो रहा है, जब एक्सपोर्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक एकदम स्मूथ लाएगा, जैसे सबको दिखाया तो वैसे ही। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडिटिंग स्क्रीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।